विश्व हिंदू परिषद के बलिया विभाग के विभाग अध्यक्ष का दायित्व तो है। इसके साथ साथ गोरक्ष प्रांत के धर्माचार्य संपर्क प्रमुख का दायित्व तो है। पांडे जी, आज जीरा बस्ती में लोग हनुमान जी की मूर्ति रखकर पहले से ही पूजा अर्चना करते आ रहे हैं। कुछ असामाजिक तत्व इस मूर्ति को हटाने में अधिकारियों के साथ तालमेल कर रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? ये गलत है। हम सब लोग हनुमान जी के उपासक हैं, ये हमारे आस्था के प्रतीक हैं। हम इनको स्थापित करने में अपना पूरा योगदान देंगे, विश्व हिंदू परिषद लगेगा। हमारा कार्यक्रम ही है धर्माचार्यों से संपर्क करना और उनके मार्गदर्शन में हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार उनको स्थापित करना। तो हनुमान जी भी हमारे हिंदू धर्म के एक प्रतीक हैं, आस्था के प्रतीक हैं। और यहाँ के हमारे हिंदू भाई अगर पूजा पाठ करना चाहते हैं तो इसमें हमारा समर्थन है और इसके सहयोग में हमेशा रहेंगे। जो अराजक तत्व हैं उनका प्रबल विरोध किया। लेकिन पुलिस वालों के साथ क्या करेंगे आप? हम उनसे भी मिलेंगे। पुलिस वाले ऐसा थोड़े हैं कि केवल वो हिंदू नहीं हैं, भी कानून के भीतर ही ना आएंगे, यहाँ कोई कार्य करेंगे तो हम उनसे मिलेंगे। अगर ग्राम प्रधान की भी कोई आपत्ति है तो हम उनसे भी परामर्श लेने का प्रयास करेंगे। पहले तो हम विचार विमर्श करेंगे, शांतिपूर्वक इस कार्य का समाधान कराएं, क्योंकि धर्म में हमें हमेशा शांति का पाठ कराया गया है। अगर ये लोग नहीं मानते तो क्या आपका कदम होगा? अंत में वही होता है, जो न दंड दे तोरा भ्रष्ट हो श्रुति मार्ग मोरा, जो न दंड दे खल तोरा भ्रष्ट हुई श्रुति मार्ग मोरा। तो जो भ्रष्ट है उसको दंड देना भी हमारा कर्तव्य है। भगवान राम ने राक्षसों का नाश किया, इसके लिए संकल्प लिए थे, और रावण का नाश किए, अकेले चलकर नाश किए। तो जो अधर्म पर चलता है उसका नाश वैसे ही हो जाता है। हम इसकी लड़ाई लड़ेंगे। थैंक यू। मुरली मनोहर सिंह साहब, ये बताइए, आज यहाँ पे लोग जो इकट्ठा हुए हैं, आज एक मंदिर मूर्ति के बारे में जो आज कुछ तनाव देखी जा रही है, क्या इसमें और किसी बिरादरी के लोगों का भी कोई हाथ है क्या? नहीं नहीं, किसी बिरादरी का नहीं है, न किसी जनता की है। ये सिर्फ जो है ये पटवारी और प्रधान जो है इसमें व्यक्तिगत रूप से इन्वॉल्व हैं, और कोई जनता, यहाँ की जनता चाह रही है कि मंदिर का निर्माण हो और पूजा यात्रा चले। ये लोग जो है किस व्यू से लोग विरोध कर रहे हैं, होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि वो लोग भी हिंदू हैं और उन लोगों की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके लिए दो तीन दिन से विवाद कर रहे हैं। इसके लिए हम लोग जिलाधिकारी को, उप जिलाधिकारी को, तहसीलदार को जो है आवेदन दिए थे, वो लोग स्थल का निरीक्षण किए और उप जिलाधिकारी महोदय ने मौके पर आकर बताया कि जो है यह जो है मंदिर के साथ साथ यहाँ वृद्धा आश्रम का भी स्थापना हो जाए। क्या यहाँ ऐसा मामला हो गया है कि पुलिस प्रशासन आए दिन लोगों को डरा रही है, धमका रही है, ऐसा क्यों कर रही है? कुछ गांव में ऐसे लोग भी होते हैं जो जिसका कोई आद्य अंत नहीं होता, तो छड़ी के लोग जो है इसका विरोध कर रहे हैं। यहाँ पर सत्संग आखिर क्यों? राजनीतिक चाल को लेकर के कर रहे हैं, या विश्व हिंदू परिषद का जो है हनुमान जी हैं, हम लोग जो है पूजा पाठ करते हैं। ये तो प्रदेश में आज बीजेपी की सरकार है, योगी जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, फिर इसमें राजनीति किस बात की? अब राजनीति करने वाले विरोधी, क्या कोई मुसलमान यहाँ ऑब्जेक्शन कर रहा है क्या? ना किसी न मुसलमान कर रहा है ऑब्जेक्शन, न ईसाई कर रहा है, न सिख न पारसी कर रहा है। ये हिंदुओं का आस्था है और मंदिर में पूजा आस्था के साथ आप लोगों के साथ कुछ असामाजिक तत्वों के लोग आप लोगों को जो परेशान करना चाहते हैं, यही आपका? आप कुछ करते थे? हम इससे पहले मैं सीमा सुरक्षा बल यानी BSF में करवा रहा था। कहाँ कहाँ पे थे? मैं BSF में मणिपुर, राजस्थान, पंजाब, श्रीनगर, बांग्लादेश बॉर्डर, पंजीपाड़ा इत्यादि में रहा। बॉर्डरों पर ही रहकर आप देश की सेवा किए हैं? हम बॉर्डरों पर रहकर देश की सेवा किए। सिंह साहब, एक बात आ रही है, आज विश्व हिंदू परिषद बलिया सत्संग समिति माँ शक्ति कॉलोनी जीरा बस्ती वन विहार में जो हनुमान जी का पूजा पाठ किया जा रहा है,
जिस जमीन पर, उस जमीन को आप अवैध तरीके से कब्जा करना चाह रहे हैं? नहीं, मैं कब्जा नहीं करना चाहता हूँ। ये पहले से यहाँ पर हनुमान जी का मूर्ति रखा हुआ है, पहले से पूजा किया जा रहा है 5-6 साल से, इसको कोई कब्जा करने का हमारा अधिकार नहीं है। फिर आखिर यहाँ दिक्कत कैसे आ रही है? दिक्कत आ रही है प्रशासन के चलते। ये पटवारी सॉरी लेखपाल और प्रधान कहते हैं कि, ग्राम प्रधान कहते हैं कि ये जो है जमीन आप लोग कब्जा कर रहे हैं, हम बोलते हैं कि कब्जा नहीं कर रहे हैं। ये सार्वजनिक जमीन है? सार्वजनिक। हनुमान जी का जो मूर्ति रखा गया है, कुछ लोग भूमाफिया की नज़र जो है इस ज़मीन पे पड़ी है, तो क्या इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? आपके सरकार में यही होता रहेगा? सरकार का यहाँ कुछ लेना देना नहीं है। ये भूमि माफिया और ग्राम प्रधान, जिनको निहित स्वार्थ में पटवारी को मिलाकर, लेखपाल को मिलाकर के, और यहाँ पे कुछ धनार्जन करना चाहते हैं। वास्तविकता तो ये है कि ये पुराना मंदिर रहा है, यहाँ पे लोगों की आस्था रही है, और धीरे इसका नव निर्माण करने के लिए यहाँ इस कॉलोनी के लोग जागृत हैं, और इसमें कोई बाधा नहीं उत्पन्न हो सकती है। अगर बाधा उत्पन्न होती है तो क्या करेंगे इसके लिए आप? अगर कोई बाधा उत्पन्न होती है तो कॉलोनी के सभी लोग यहाँ हर प्रकार के कदम उठाने के लिए तैयार रहेंगे। इसकी कानूनी प्रक्रिया में आप लोग कहीं आगे कार्रवाई कर रहे हैं? ये सभी सूचनाएं आगे तक बढ़ा दी गई हैं, और अच्छा। इसके परिणाम भी बहुत जल्दी ही आएंगे। क्या यह मामला है, इस मामले के बारे में आपको कुछ जानकारी है? यहाँ पर जो भूम माफिया जो है इस जमीन को कब्जा करना चाहते हैं, जो कि बंजर जमीन है, और हम लोग इसमें मंदिर का निर्माण करना चाहते हैं। हम लोग इस कॉलोनी के वासी हैं, हम लोग चाह रहे हैं इसमें पूजा अर्चना हो, और हम लोग आस्था से। अगर मान लीजिए आपको यहाँ से पुलिस प्रशासन यहाँ से आपकी हनुमान जी की मूर्ति को हटाने लगे, तो क्या आप लोग उस समय करेंगे? हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। मैंने आप लोग अपनी यहाँ जान दे देंगे, लेकिन यहाँ से मूर्ति नहीं हटने देंगे? नहीं हटने देंगे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करें इंडिया टाइम न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टाइम न्यूज अपडेट सबसे पहले आपको मिल पाए।